வாழ்க வளமுடன் அக்ரி இன்ஜினியரிங். தமிழ்நாடு மீனாட்சி சசரகா 30 கிலோமீட்டர் நஸ்திக்கு ஹம்லோக் அக்ரி கா டூல்ஸ் பூரா பனாத்தா ஹை உஸ்மே கல்டிவேட்டர் கா சாத் வாலா ஹை பனாயா ஹை அபி உஸ்கா ட்ரையல் கர ரஹா ஹூன் பேக் மே லகாயா பூரா அகர் ஜரூர் படையா தோ உஸ்கோ நிகால் கே யே சக்கா லகா சக்தா ஹை யே மெட்டல் சே பனாயா யே சக்கா ये चार वाला कल्टीवेटर है, इसको 150 सीसी का बाइक का ऊपर जरूर पड़ेगा कि 100 सीसी में नहीं चलता है। ये 18 इंच का है, ये निर्णय के लिए यूज होता है। 150 सीसी का बाइक का ऊपर जरूर पड़ेगा इसको। ये डाल लगाने के बाद में ये इसको लगा के खींचेगा तो अच्छे से डाल निकलता है, इसका जरूरत पड़ेगा। ये मट्टी लेवल करने के लिए खेती का मट्टी है पूरा एक साथ में लेवल करने के लिए ये जरूरत पड़ता है। ये वीडर है 2 फीट का, ये आपको कौन सा साइज चाहिए तो हम लोग उसके साइज का हिसाब से बना के देता है। तीस इंच का है, 2.5 फीट का है। ये कल्टीवेटर लगा हुआ, अभी इसको चला के चेक करता है। क्या लगता है?
ऐसे रिवर जाने के लिए ऐसे फिर उठा के ऐसे रिवर जाना पड़ेगा, जगह छोटा है तो। கட் பண்ணா மறுபடியும் லிங்க் பண்ணுவாங்களா தெரியுமா உங்களுக்கு? எப்போ ये कल्टीवेटर तीन फ्लो वाला है, अभी ये लगाया, अभी इसको ट्रायल रन करके चेक करेगा। अभी वजन नहीं लगाया, वजन लगाएगा तो आर नीचे जाएगा, इसका ऊपर अभी पत्थर लगा के चला रहा है, चलो छोटा पत्थर लगाया। निकाल रहे देखो, अभी इसको निकाल के दूसरा लगा लगाएगा। ये 100% वीडर है, ये खेत में निर्णय के लिए जरूरत पड़ेगा।
ये 2.5 फीट 30 इंच का है ये, इसको लगा के अभी चला के चेक करता हूँ। खेत में कितना भी निराने के लिए ये सही चलता है। ठीक है, इसको चला लिया, अभी दूसरा डोट लगा के चेक करता है। ये डाल लगाने के बाद इसको लगा के खींचेगा तो अच्छे से डाल निकालता है, इसका जरूरत पड़ेगा। अभी इसको चला के चेक करता है कैसे चलाना है। और दूसरा डोट्स भी देखो, इसको चला के चेक करता हूँ।
अब इसको निकाल के दूसरा लगा देगा। अभी दूसरा ड्रूस लगाया, ये मिट्टी का पूरा मिट्टी में लेवल करने के लिए, खेत में जितना मिट्टी है उसको लेवल करने के लिए जोर पड़ेगा इसको। हम लोग इतना टूल्स अभी चला के चेक किया था, अभी लास्ट फाइनल इसको टेस्ट कराओ। ठीक है, वो लेवल करने के लिए ये जरूर पड़ेगा। इतना छोटा जगह पे ये सारे फूल्स चलाया, आपको कितनी मजे से चला सकता है इसको। இது வந்து பருப்பு தொலை கொடுத்தது சொல்லுங்க.
டால் வாழ கேத்தியுமே டால் பண்ண திருப்பூடாது ஃப்ரீயாக இருக்கணும். அந்த கேமராவே மொத்த வீடியோவும் இப்படி வந்துடும். நல்ல வேலை மாற்றிட்டீங்களா தெரியல. ஆ மொத்த வீடியோவும் மாற்றிடும். खेती में लगाने डाल बना लगाने के बाद इसको आके खींचेगा तो अच्छे से डाल निकलता है, इसके लिए यूज होता है ये स्टेप।